अरे मुझे नहीं है कोरोना, पर मैं तो रोज टेस्ट कर लिया। यानी इंसान तो चीख पे नहीं खा रहे, सांस भी नहीं ले रहे। चलो सांस लेते जितने भगवान ने दिए उतने। ओके नाउ चैप्टर 18, या ये दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज प्राइस राइज एंड सेकंड इज कंज्यूमर अवेयरनेस। ओके नाउ सी दिस बोथ आर द कंप्लीटली अ डिफरेंट टॉपिक्स, यानी दोनों एकदम डिफरेंट टॉपिक्स। છોકરું લઈને આવે ત્યાં બનાવશે બાર બેઠી કયા ટાઈમે હવે રહ્યો એક મહિનો પાછી અહી આવી तुम लोग पीछे चले जाओ ना। नाउ सी प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। प्राइस राइज इज अ डिफरेंट टॉपिक एंड कंज्यूमर अवेयरनेस इज अ कंप्लीटली अ डिफरेंट टॉपिक। हम सबसे पहले प्राइस राइज की बात करेंगे कि एग्जैक्टली प्राइस राइज होता क्या है। यानी जो भी हमारे जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी का हम बात करते हैं कि पेट्रोल में प्राइस, तो व्हाट इज द रीजन दैट द प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड इन द पेट्रोल। सो व्हाट आर द रीजन, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, क्या है? हर फीचर जितना ज्यादा फिर तो भूल नहीं होगी, तो इसलिए मारती So here we are going to discuss about the price rise. मतलब price rise exactly होता क्या है? अब price rise में भी दो तरह के price rise होते हैं। अगर constant price rise है, right? So that is not good for our country, right? लेकिन अगर धीरे-धीरे price बढ़ता है, like for example किसी भी एक चीज का price थोड़ा सा बढ़ा, right? तो उससे क्या होगा? किसको फायदा होगा? जो manufacturer है उसको फायदा होगा, उसका profit बढ़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट बढ़ा तो वो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा लेगा, राइट? क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ा, फिर वो मशीनरीज ज्यादा लाएगा, राइट? मशीनरीज ज्यादा लाएगा तो एम्प्लॉयमेंट देगा दूसरे बंदों को। तो इस तरह से जो कॉस्ट यानी स्टेबल प्राइस राइज है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दूध के भाव बढ़ते हैं तो दो साल में एक साल में थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, तो वो प्रॉफिट जब आप अमूल मिल्क जैसे कि 1 रुपीज बढ़ाया, तो 1 रुपीज उसने बढ़ाया तो वो रोज का 10 मिलियन पैकेट्स वो बेचता है मिल्क के, तो उसमें वो एक अगर एक बढ़ाएगा तो 10 मिलियन का मतलब कितना हुआ उसको, अराउंड 20 लाख, मतलब 10 लाख, 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो उसको 1 करोड़ का फायदा होता है। अंडरस्टूड? अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट होता है तो वो उसमें बहुत सारी मशीनरीज भी ले सकता है और वो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन वो क्या है, स्टेबल प्राइस राइज, रोज नहीं बढ़ रहा है। अंडरस्टूड? वो या महीने में बढ़ रहा है या 6 महीने में बढ़ रहा है या फिर 1 साल में बढ़ रहा है। लेकिन अगर कांस्टेंट प्राइस राइज होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आज फॉर एग्जांपल पेट्रोल का भाव 80 रुपीज है, कल 82 हो गया, फिर 84 हो गया, फिर 88 हो गया, 88 हो गया, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस राइज। अगर कांस्टेंट प्राइस राइज होता है ना तो इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब इकोनॉमी पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरा बजट है कि मैं 2000 रुपए पेट्रोल पे खर्च करती हूँ पूरे महीने में, और वो अगर 50 रुपए का पेट्रोल है तो
राइट, अगर वो 50 रुपए का पेट्रोल 80 रुपीज का हो जाता है तो मेरा पूरा बजट गड़बड़ा जाएगा, राइट। तो ये कॉन्स्टेंट प्राइस राइज हमेशा क्या करता है, इन्फ्लेशन के लिए। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब बहुत ही ज्यादा प्राइस राइज होता है उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली प्राइस राइज क्यों होता है। अगर कंट्रोल करना है प्राइस राइज तो गवर्नमेंट क्या करती है, तो हम ये सारा समझेंगे, ठीक है। अमंग मेनी इकोनॉमिक्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स इन ऑफ इंडिया वन इज प्राइस राइज, यानी सबसे बड़ा अगर एक, हमारे कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पॉवर्टी है, देन अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें एक ये प्रॉब्लम भी हमारी कंट्री की है, दैट इज प्राइस राइज, राइट। कंटिन्यूस एंड कॉन्स्टेंट राइज इन प्राइस इज डिफरेंट फील्ड ऑफ इकोनॉमी एट अ हायर रेट इज कॉल्ड प्राइस राइज, विच इज प्रॉब्लम, बट प्राइस राइज अलॉन्ग विद स्टेबिलिटी इज अ बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी। मैंने पहले ऑलरेडी समझा दिया कि कंटिन्यूस और कॉन्स्टेंट प्राइस राइज होता है वो हिंडर करता है हमारी इकोनॉमी, लेकिन अगर स्टेबल प्राइस राइज होता है तो वो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है। अब स्टेबल प्राइस राइज एक क्वेश्चन है कि हाउ स्टेबल प्राइस राइज इज बेनिफिशियल फॉर कंट्री, तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स है जो अब हम जानेंगे। जनरली इंक्रीज इन प्राइस मैम, ये चैप्टर 18 में कौन सा पेज है? 146। जनरली इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजर्स एंड प्रोड्यूसर्स। जब प्राइस बढ़ता है, मैंने कहा ना कि जैसे किसी भी चीज का 2 रुपए या 3 रुपए भाव बढ़ा 3 महीने में 6 महीने, तो वो किसको प्रॉफिट देगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स है, उनको फर्स्ट उनको प्रॉफिट होगा, राइट। बिकॉज ऑफ अनडिसाइडेड प्रॉफिट दे गेट अपॉर्चुनिटी टू सेट अप न्यू प्रोडक्शन यूनिट। अब उनको फायदा हुआ तो पैसा आया तो पैसा वो खर्च नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, अपने ही बिजनेस यूनिट में वो ज्यादा डालेंगे, राइट। तो वो उन्होंने उसमें ही इन्वेस्ट किया, राइट। सो प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीजेस, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट उनका और बढ़ जाएगा क्योंकि उन्होंने और ज्यादा इन्वेस्ट किया, मशीनरीज लेके आए, प्रोडक्शन बढ़ाया, तो वो हुआ, राइट। सो प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीजेस एंड व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इज लेस देन प्राइस राइज, सो द अनदर प्रोड्यूसर गेट एनकरेजमेंट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता ही जाएगा, तो हमें क्या होगा कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि सैनिटाइजर की अभी सबसे ज्यादा डिमांड है। सैनिटाइजर के जो पैसे हम मांगेंगे हम देंगे, क्योंकि सैनिटाइजर एंड मास्क आर इन नीड। तो अभी जो भी प्रोड्यूसर है सैनिटाइजर्स के या मास्क के, उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, अगर वो 2 रुपए भी बढ़ा देंगे या 5 रुपए भी बढ़ा देंगे ना, तो उनको प्रॉफिट, खरीदने तो वाले ही है, तो उनको प्रॉफिट हुआ, फिर उनके लिए वो ज्यादा मशीनरीज लाए, ज्यादा रॉ मटेरियल लाए, तो उनको फायदा हुआ, तो उससे और ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा, तो उन्होंने सोचा कि चलो और एम्प्लॉयमेंट देते हैं, राइट, और लोगों को बढ़ाते हैं, तो और एम्प्लॉयमेंट हुआ, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो इकोनॉमी है वो स्टेबल होता है। सो हर एक की इनकम बढ़ेगी, राइट। मैं एम्प्लॉयज लाऊंगी तो एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनको पगार मिलेगा तो वो खाना खाएंगे, राइट, तो घर में देंगे, तो डेफिनेटली प्राइस राइज विल इम्प्रूव ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजर्स एंड बिजनेसमैन कैन इंक्रीज द वेजेस ऑफ देयर एम्प्लॉयज। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप दूसरों को भी प्रॉफिट करोगे कि नहीं करोगे, तो फिर दिस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम परचेसिंग कैपेसिटी। अब मेरे पास पगार आएगा, मुझे ज्यादा पगार मिलेगा, अगर सब कुछ अच्छा चला तो मेरा परचेसिंग पावर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, राइट। मैं ज्यादा पैसे स्पेंड करूंगी, सो परचेसिंग पावर इंक्रीजेस, सो मनी स्पेंड ऑन यूसेज ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीजेस। फिर हम बाहर दूसरी चीजें लेने जाएंगे, होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, राइट, और ज्यादा पड़े तो अच्छी लग्जूरियस आइटम्स हम खरीदेंगे, तो वो पैसा कहाँ पे जाएगा, मार्केट में जाएगा, राइट। तो अगर स्टेबल प्राइस राइज होता है तो वो इकोनॉमी को इनडायरेक्टली बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। सो इट कैन बी सेड दैट द स्टेबल प्राइस राइज इज प्री रिक्विजिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब प्राइस राइज होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि 5 रुपए का दूध था तो 50 साल के बाद भी 5 रुपए का दूध मिलेगा, नो, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। अब हमें 50 रुपए देने ही पड़ेंगे दूध के,
right? So that is how it is possible. Why? Because stable price rise is there. 5 रुपए का 50 नहीं हुआ, 5 का 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, तो उस तरह से स्टेबल प्राइस राइज है, तो हम एक्सेप्ट भी करते हैं, राइट? सो दैट इज नोन एज अ स्टेबल प्राइस राइज. सो स्टेबल प्राइस राइज इज अ गुड फॉर इकोनॉमी. क्लियर? स्टेबल राइज राइज प्राइस राइज किस तरह से इट इज गुड फॉर इकोनॉमी. हाँ बोलो. एक दो यही तो बोल रही हूँ, एक दो वीक में भी नहीं होता है कभी प्राइस. जब होता है लाइक फॉर एग्जांपल 1 month, 3 month, 6 month, उसमें अगर प्राइस राइज होता है तो प्राइस राइज होता है, नहीं तो आप डेली हर मंथ में 1 रुपया दूध का बढ़ जाए तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? हाँ बढ़ा, वो दे हैव देयर ओन रीजंस. प्राइस राइज होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इसलिए ज्यादा है कि पॉपुलेशन हमारा ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो उतना बढ़ेगा ही ना. इतनी हमारी डिमांड जितनी है अनएम्प्लॉयमेंट की उतनी तो है ही नहीं, लोग ज्यादा है, राइट? उतनी नौकरियां तो है नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली बढ़ेगा. ऑफकोर्स निकालेगा. हाँ, लेकिन वो मशीनरीज लाएगी तो उस मशीनरीज को चलाने के लिए भी तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए ना. अगर तू एक मशीन लेके आएगा, तुझे प्रॉफिट हुआ तो एक मशीन लेके आएगा, तो वो मशीन चलाने के लिए 5 बंदे तो चाहिए, राइट? तो वो 5 बंदे इंक्रीज हुए तेरे में, तो उन 5 बंदों को एम्प्लॉयमेंट मिला, उनको पैसा मिला, तो वो इकोनॉमी ही जाएगा ना, वो खर्चा तो करेंगे ही वो, राइट? तो उस तरह से इकोनॉमी डेवलप. Now read when there is noticeable increase. When there is noticeable increase in the price level of commodities or services, invariable and continuity at high rate, then the production of instantaneous commodities and services do not increase, but supply of money. ये समझना बहुत जरूरी है. ये आप सेकंड पैराग्राफ में हम ये बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट प्राइस राइज मतलब रोज भाव बढ़ रहा है, हर 2 दिन में, हर हफ्ते में, तो वो किस तरह से हमारी कंट्री के लिए हिंड्रेंस है, मतलब हमारी इकोनॉमी को कैसे वो डिस्टर्ब करता है. तो जब प्राइस लेवल किसी भी कॉमोडिटी, फिर वो कोई भी कॉमोडिटी हो, राइट? अगर आलू भी है, अगर 20 रुपए मिलता है आलू, ये उसका नॉर्मल प्राइस है, और वो 50 रुपए भी मिलेगा आलू, तो वो प्राइस राइज कहा जाएगा, वो इन्फ्लेशन कहा जाएगा, राइट? तो जो गरीब इंसान है वो बेचारा आलू खा के, क्योंकि सबसे सस्ता आलू ही होता है, तो वो 20 रुपए का आलू ही 1 किलो खाता है, तो वो बेचारा 1 किलो आलू भी नहीं ले पाएगा, वो 250 किलो, तो वो उसकी क्या हुआ, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ हिंडर हुआ कि नहीं हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिंडर हुआ कि नहीं हुआ, राइट? तो हर एक इंसान का बजट खिल जाता है छोटी सी कॉमोडिटी पे भी, यानी अगर आलू प्याज के भाव भी बढ़ जाते हैं तो इट विल यू नो डिस्टर्ब द इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री. तो इतना प्राइस राइज इफेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को. एक्सेसिव इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, यानी छोटी सी चीज है, एक कॉमोडिटी जो बहुत छोटी है, उसकी वैल्यू भी कम है, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, राइट? तो उसकी उस कॉमोडिटी की उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए इतना प्राइस देना पड़ता है. अब टमाटर 80 रुपए किलो हो जाता है, जब तो हम 80 रुपए किलो टमाटर अगर हमें खाना है, डालना है, तो हम लाएंगे ही लाएंगे, राइट? तो अगर हम 80 रुपीज किलो वाला टमाटर हम अगर किलो खरीद के थे जब 30 रुपीज था, तो 80 है तो हम कितना करेंगे, 250 खरीदेंगे. तो दैट इज नोन एज अ इन्फ्लेशन. के इसमें ये समझने की जरूरत है कि द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी इज यूज कंपैरेटिवली लेस कॉमोडिटी, यानी कम चीज हम खरीद रहे हैं, लेकिन हम पैसा क्या दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अ इन्फ्लेशन. उसे क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन, भाव वधारो. अपने नहीं कहता इन्हें, दैट इज नोन एज अ इन्फ्लेशन. Price
disparity in economy. Chaos in money supply. In such condition, price rise act as an hindrance. Hindrance का spelling wrong है. R E नहीं आएगा, R A आएगा. Hindrance in the development of economy. तो जब भी price rise होता है, तो ये general बहुत ही ज़्यादा disparity create करता है. जो गरीब इंसान है, वो चीजें वो purchase नहीं कर पाता है. और जो अमीर इंसान है, वो आराम से खरीदता है और आराम से उसको use करता है. मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जीता है और जो गरीब इंसान है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी पाता है. सो दैट विल क्रिएट अ वेरी ह्यूज डिस्पैरिटी ऑफ इनकम. और वो हमेशा इस तरह का प्राइस राइज क्या करता है, हमारे हमारे जो हमारा इकोनॉमी है उसमें हिंड्रेंस लाता है. हिंड्रेंस मतलब रुकावट, राइट. जैसे कि पेट्रोल के प्राइस अभी बढ़ गए, तो शायद मैं 2000 का पेट्रोल हर महीने करती थी, यानी यूज करती थी, जितने भी क्लासेस जाओ, ट्यूशन जाओ, स्कूल जाओ. अब मुझे वही 2000 के बदले मुझे 3 से 3500 खर्चने पड़ते हैं. तो मेरा जो 1500 का वो जो सेविंग था वो क्या हुआ, दैट हैज बीन डिस्टर्ब, राइट. तो मैं तो अपनी ही बात कर रही हूँ, ऐसे मेरे जैसे तो कितने हजारों लोग हैं जिनको इतना पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा उनका पूरा लेवल. तो ये इस तरह से ये प्राइस राइज इन्फ्लेशन हो हमारी कंट्री ये यानी क्या बोलते हैं, प्रीरिक्विजिट है, मतलब अच्छा है. तो ये दो आंसर्स एग्जाम में आ सकते हैं. हिंड्रेंस किस तरह से है प्राइस राइज और प्रीरिक्विजिट किस तरह से है प्राइस राइज. यस, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि कंटीन्यूअस प्राइस राइज, मतलब रोज प्राइस बढ़ रहा है किसी चीज का, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन. Instantaneous मतलब production of instantaneous commodities and services, यानी high rates, जो production यानी जो जरूरत नहीं है जो चीजों की, उस चीजों की हम production बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं हमारे market में, तो वो भी price rise करता है. और वो किसी के जैसे कि हम common लोग हैं, नहीं तो अगर luxury cars में ज्यादा कम country invest करेगी या company invest करेगी तो local लोगों को तो कोई फायदा नहीं होगा, राइट. तो अगर इस तरह से हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे जिसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है और उसमें अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो वो इंस्टेंटेनियस प्राइस राइज कहा जाता है. वो इन्फ्लेशन क्रिएट करता ही करता है. अब प्राइस राइज इज नॉट ऑलवेज इन्फ्लेशनरी. मेनी टाइम्स इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट्स इन इकोनॉमी, प्राइस ऑफ बेसिक कमोडिटीज और सर्विसेज यूज्ड बाय कॉमन पीपल इंक्रीजेस. ऐसा नहीं है कि भाव बढ़ रहा है किसी भी चीज का, राइट. तो वो इन्फ्लेशनरी ही होता है, राइट. कभी कभी वो अच्छा भी होता है. क्यों? क्योंकि लोगों को लोग चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं तो वो पैसा किसके पास आ रहा है, गवर्नमेंट के पास ही आ रहा है. तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को फायदा ही हो रहा है, राइट. तो हर एक प्राइस राइज को हम इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं, यानी अगर कंटिन्यूस प्राइस राइज है तो ही उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल हम मास्क की बात करें, तो जब मास्क जब ये नया नया कोरोना आया था तब मास्क 100 रुपए 150 रुपए में बिकते थे. उसकी वैल्यू क्या है, 20 रुपए शायद, राइट. अच्छे से अच्छे मास्क लो तो 50 रुपए, राइट. लेकिन उस वक्त में वो कॉटन के कपड़े भी के मास्क भी हम लेते थे 100 रुपए में 150 रुपए में. क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत ही कम थी, राइट. तो इसीलिए जैसे कि क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर्स भी उस वक्त प्राइस बहुत ही ज्यादा थी. क्यों? हाँ, तो डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई उसकी कम थी. था डिमांड है क्या सैनिटाइज, इट्स एन अल्कोहल, राइट. सो इट्स एन अल्कोहल एंड अल्कोहल इज वेरी वैल्यू वेरी लेस, लेकिन उस वक्त हम उसको बेच रहे थे और लोगों को मिल भी रहा था क्योंकि लोगों को जरूरत थी. तो दिस इज जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, ऑक्सीजन. अभी सेकेंड वेव आया था तब ऑक्सीजन का वैल्यू 300 रुपए या 350 रुपए का बॉटल आता है और वही बॉटल मिल रही थी 5000 में, 10000 में, 15000 में. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन थे नहीं मार्केट में, राइट. और इसीलिए उसका प्राइस राइज हो गया क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत कम थी. यानी ये सिंपल फॉर्मूला है प्राइस राइज का.
when demand is high and supply is less, always there is a price rise. तब हमेशा price बढ़ता ही है. ये समझ में आया कि ऊपर से गया? 20% भी समझ में आया? थोड़ा थोड़ा. क्लियर के नॉट क्लियर? अभी से बोलो. क्लियर मैम. इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, जब कोई भी चीज का भाव कांस्टेंट, जैसे मैंने बोला ना ऑक्सीजन के भाव बढ़े तो दैट इज अ इन्फ्लेशनरी सिस्टम. मास्क के भाव बहुत ज्यादा प्राइस बढ़े, इन्फ्लेशनरी सिस्टम. सैनिटाइजर के बढ़े, इन्फ्लेशनरी सिस्टम. पेट्रोल के भाव बढ़े, 70 रुपए में से 100 रुपए हो गया तो दैट इज अ इन्फ्लेशनरी सिस्टम. हाँ, डिमांड जब बढ़ेगी सप्लाई नहीं होगी. अगर सप्लाई नहीं होगी और डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगा. ये अब ये आया माथा का दुखावा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक. एक बार में नहीं समझ में आएगा तो मुझे दूसरी बार पूछना. नाउ सी रीजन ऑफ प्राइस राइज. अब हम बात करेंगे रीजंस के कि भाई क्यों प्राइस बढ़ता है. ठीक है, मेनली टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस राइज. ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टेंटेनियस इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी एंड सर्विस इन इकोनॉमी. एक तो है इंक्रीज इन इंस्टेंट प्रोडक्शन. अच्छा ना, किसी चीज की डिमांड हो गई और इंस्टेंट प्रोडक्शन हमें करना है, राइट? तो सब रॉ मटेरियल इंस्टेंट तो कहीं नहीं आ जाएगा. और बेस्ट एग्जांपल है सैनिटाइजर और मास्क. इंस्टेंट प्रोडक्शन चाहिए था, राइट? तो वो अगर इंस्टेंट प्रोडक्शन करना हो, डिमांड भी है और प्रोडक्शन भी करना है, तो प्राइस राइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट? सेकेंड रीजन है कि ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन टोटल डिमांड ऑफ कंट्री and compared to supply, means demand is high and supply is less. जब demand high होती है और supply less होती है तो वो price rise करती है, किसी भी चीज हो, कोई भी चीज हो. ठीक है, following reasons are responsible for it. यानी ये अब हम बात करेंगे कि कौन से है reasons. अब सबसे सिंपल अगर मैं इसको समझाऊ ना कि इंक्रीज इन मॉनिटरी. अब मॉनिटरी सप्लाई, अगर पैसा इंसान के पास कब आता है, चलो बोलो. इंक्रीज इन मॉनिटरी सप्लाई का मतलब क्या होता है? प्राइस राइज का ये सबसे बड़ा रीजन है. फॉर एग्जाम्पल, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हमारी कंट्री में, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की बात करते, एम्प्लॉयमेंट फॉर ए, वो अनएम्प्लॉयड था, एम्प्लॉयड हुआ, राइट? सैलरी हो गई उसकी 50,000, राइट? फर्स्ट ईयर की सैलरी ये, सेकेंड ईयर में भी एम्प्लॉयमेंट रही, उसकी सैलरी हो गई, अच्छा काम कर रहा था, 1 लाख, राइट? तो उसके सप्लाई ऑफ मनी उसके अकाउंट में ज्यादा हो गया, 50% ज्यादा हुआ, राइट? अब वो बंदा क्या करेगा? बैंक में तो नहीं रखेगा, 20% वो शायद बैंक में रखेगा, राइट? 80% वो क्या करेगा? उसको स्पेंड करेगा एक्सपेंस में, एक्सपेंस करेगा. तो वो क्या करेगा? एक्सपेंस करेगा, तो घर लेगा, लोन पे भी लेगा, तो लोन पे भी लेगा, तो शायद 30 लाख की लोन लेगा. अगर 30 लाख का
अगर 30 लाख का भी उन्होंने उसने घर लिया तो 30 लाख कहाँ पे घूमेगा वो पैसा? कहाँ पे जाएगा वो पैसा 30 लाख? मार्केट में जाएगा, तो वो 30 लाख मार्केट में घूमेगा राइट, तो सबके पास वो पैसा आएगा, किसी के भी पास जाएगा ना वो पैसा, दूसरे बंदे के पास जाएगा तो वो उस पैसे को खर्च करेगा राइट। अगर उसने घर लिया, फिर कार लिया, तो कार का भी पैसा कहाँ पे घूमेगा? मार्केट में घूमेगा। अगर वो रेस्टोरेंट जाएगा तो भी वो भी मार्केट में घूमेगा। तो ये 80% पैसा अगर मार्केट में घूम रहा है तो वो हर किसी के पास जाएगा एज अ प्रॉफिट राइट। तो फिर वो उसका भी, उसका परचेसिंग पावर बढ़ा है, तो इसने ये सारी चीजें ली है, तो किसी और का भी वो परचेसिंग पावर बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई गरीब इंसान है तो उसके पास पैसा नहीं है, तो वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट ऑफिस में पढ़ाएगा, लेकिन उस गरीब इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या करेगा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालेगा, अच्छे ट्यूशन में डालेगा। तो ट्यूशन में आपने 50,000 डाले राइट, तो वो 50,000 ट्यूशन में SPGT में फॉर एग्जाम्पल डाले, तो वो 50,000 SPGT में से आगे वो ज्यादा यूज करेंगे ना, एम्प्लॉयड करेंगे टीचर्स को, तो टीचर्स को पैसे मिलेंगे, तो वो आगे पैसा घूमेगा। तो इस तरह से पैसे की हमेशा एक साइकिल होती है राइट। तो वो हर एक इंसान के पास उसका परचेजिंग पावर बढ़ता ही रहता है, और ये साइकिल में क्या होता है, ये साइकिल मार्केट में ही घूमता रहता है। तो सबका परचेजिंग, तो सबकी डिमांड बढ़ी, तो इससे क्या बढ़ेगी, इंसानों की डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई नहीं है भाई राइट, तो फिर क्या होगा, प्राइस राइज। समझ में आया? ये सिंपल फंडा है। जब तक आप मॉनेटरी सप्लाई रीजन सबसे बड़ा है कि पैसा मार्केट में नया आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, इंसानों के पास पैसा है और वो खरीद रहे हैं सारी चीजें, तो फिर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नाउ इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई, सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी इंक्रीज इन 3 वेज। तीन तरह से हमारी इकोनॉमी में पैसा आता है, यानी मार्केट में पैसा घूमता है। फर्स्ट बाय फिलिंग डेफिसिट रिप्लेसमेंट बाय जनरेटिंग न्यू मनी, या फिर गवर्नमेंट ने पैसा, क्योंकि डेफिसिट मनी हुआ राइट, यानी कि कम पैसा है हमारी कंट्री में, तो उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने, RBI ने नया मनी प्रोड्यूस किया, तो वो प्रोड्यूस करके कहाँ डालेंगे? मार्केट, बैंक में डालेगी, मार्केट में डालेगी, तो मार्केट में पैसा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो वो होगा। सेकेंड रीजन, इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ मनी, इंक्रीज इन ट्रांजेक्शन ऑफ मनी इन मार्केट। मैंने बोला ना, सर्कुलेशन और ट्रांजेक्शन ऑफ मनी इन द मार्केट। थर्ड इज टू डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है कि अभी गवर्नमेंट ने इस, ये अगर मैं, अभी कौन सा 2021 चल रहा है ना, 2015 की अगर मैं बात करूं, तो होम लोन्स पे था 12% एनम इंटरेस्ट था राइट। अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हो तो आपको 1200 रुपए देने पड़ते हैं। 2021 में क्या है, अगर मैं 1 लाख का लोन लेती हूँ ना, तो मुझे 8% ही पर एनम देना पड़ता है, 8% लोन इंटरेस्ट है राइट। तो डेट रेट, यानी कि अगर मैं अभी लोन लेती हूँ तो मैं क्या करूंगी, डेप्ट रेट कम है, मतलब लोन जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा कम है, तो मैं क्या सोचूंगी कि नहीं नहीं मेरे पास पैसे है तो मैं इन्वेस्ट करती हूँ, 8% में तो मैं अच्छे से आराम से घर ले लूंगी राइट। तो अगर मैं कार भी लेती हूँ तो 5 लाख की कार आएगी, अगर मैं घर लेती हूँ तो 50 लाख का घर आएगा राइट, तो मार्केट में पैसा गया। तो इंक्रीज इन सॉरी डू डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, यानी जो डेप्ट का मतलब क्या होता है, लोन, लोन पे जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इंसान डेफिनेटली वो चीज खरीदता है। अंडरस्टूड? अगर फॉर एग्जांपल शांति, फॉर एग्जांपल के लाइक फॉर एग्जांपल, देख मेरा भूल गया, मेरा एग्जांपल दिमाग में आया था, जो तो बीच में जो बोलता है मैं बाद में टाइम देती हूँ ना, गया बोल। डेप्ट का मतलब वही तो बोली, लोन, डेप्ट का मतलब क्या होता है, लोन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 8% है और गवर्नमेंट इसका 15% इंटरेस्ट कर देती है होम लोन पे, अभी 2021 में ये है,
तो मैं सोचूंगी कि घर ले लूं। अभी सितंबर में गवर्नमेंट ने 15% कर देगा तो मैं खरीदूंगी, नहीं खरीदूंगी ना। अगर मैं 15% क्यों डालूंगी 8% के बदले, मैं राह देखूंगी, मैं क्यों अपना इन्वेस्ट, तो वो पैसा मेरा बैंक में ही रहेगा। नहीं तो ये 50 लाख रुपीज का मैंने लोन लिया तो वो क्या होगा, मार्केट में घूमेगा। तो इस तरह से मनी सप्लाई मार्केट में घूमता है पैसा, अंडरस्टूड। अब जैसे कि लोन पे आप 50,000 का आईफोन भी ले सकते हो, क्योंकि मुझे तो 5,000 का डाउन पेमेंट करना है ना, लेकिन कंपनी को तो कंपनी क्रेडिट कार्ड से 50,000 चला जाता है कि नहीं चला जाता, राइट? तो वो 50,000 मार्केट में घूमेगा कि नहीं घूमेगा, राइट? तो आप एक लग्जूरियस आइटम भी लेते हो, कोई भी लेते हो, तो वो मार्केट में पैसा घूमता ही घूमता है। अंडरस्टूड, क्लियर? ड्यू टू शार्प डिमांड, कौन सा इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ, टू डिक्रीज कौन है ये, टू डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, टू डिक्रीज यानी लोन पे, लोन मतलब डेट, लोन के लोन पे मैंने इंटरेस्ट डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज का मतलब 8% है, तो मैं लोन लूंगी कि नहीं लूंगी, राइट? अगर 15% है तो मैं लोन लूंगी, नहीं लूंगी। तो अगर गवर्नमेंट लेस डेप्थ रेट रखती है तो हम लोन लेते हैं, क्यों? मार्केट में पैसा घूमता है, उनको इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, लेकिन पर 8% है तो मैं खरीद लूंगी ना लोन, 15% है तो मैं क्यों लूंगी, अंडरस्टूड। अगर दो फोन है तो दो फोन में से अगर जो सस्ता होगा और वही काम करता होगा तो मैं क्या लूंगी, सस्ता वाला फोन लूंगी ना। तो फिर तो इस तरह से मार्केट में तो पैसा तो जाएगा ही ना, तो ज्यादा परचेजिंग पावर किसका होगा, सस्ते वाले फोन का, क्योंकि वही सारे फीचर्स है, अंडरस्टूड। तो 1.5 लाख का आईफोन क्यों लूंगी मैं, 15,000 का ना लू MI, सही बात है कि नहीं? हाँ, लग्जूरियस होते हैं, पर लग्जूरियस आइटम खरीदने वाले बहुत कम होते हैं ना, 100 में से 2 होते हैं। 100 में से 50 हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ, लोन लेके, पर 1.5 लाख का लोन मोबाइल लेने के लिए सैलरी भी ऐसी होनी चाहिए ना। चलो, हु विल रीड? नहीं, इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाईज, उसके नीचे का पैराग्राफ, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन मनी। हाँ, एक मिनट, फुल स्टॉप। ये जो मैंने समझाया वही है कि जब आपका इंक्रीज होता है इनकम ऑफ पीपल, तो आपका परचेजिंग पावर भी बढ़ता है, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड आप करोगे वो सारी चीजों की, क्योंकि आपको लग्जूरियस आइटम्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, आपके पास पैसा है तो क्यों नहीं खरीदने जाओगे। पर वो उस हिसाब से डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा, प्राइस राइज होगा। डेफिसिट रिप्लेसमेंट पॉलिसी, यानी सबसे बड़ा गवर्नमेंट को अगर पैसा प्राइस राइज बढ़ाना है, राइट, यानी किसी भी चीज को प्राइस मार्केट में बढ़ाना है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, डेफिसिट मनी सप्लाई। डेफिसिट मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि हर साल बहुत सारा पैसा वो वेस्ट हो जाता है, मतलब कचरे में चला जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल फट जाते हैं नोट्स, ये हो जाता है, तो गवर्नमेंट का हमेशा एक कोटा होता है कि इतना मार्केट में पैसा होना ही चाहिए। तो अगर उतना मार्केट में पैसा नहीं होता है तो जितना, जैसे 10% लेस है, तो उतना गवर्नमेंट क्या करती है, नया पैसा बनाती है, प्रिंट करती है, राइट? तो उसे क्या कहा जाता है, डेफिसिट मनी सप्लाई। तो वो कहाँ पे लाएगी, गवर्नमेंट मार्केट में लाएगी। कैसे ला सकती, ऐसे तो नहीं करेगी कि डाल दो पैसे, राइट? गवर्नमेंट क्या करेगी, नए नए प्रोजेक्ट्स लाएगी, मेट्रो प्रोजेक्ट्स लाएगी, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स लाएगी, उसमें इन्वेस्ट करेगी। तो वो पैसा कहाँ जाएगा, मार्केट में। जैसे कि हमारे यहाँ मेट्रो बन गया है, तो टाटा ये सब बना रहे हैं मेट्रो, राइट? तो वो पैसा इतना अरबों रुपए लगे हैं उसमें, तो वो कहाँ पे आया, मार्केट, अहमदाबाद में ही खर्चा हो रहा है ना ये पैसा, तो वो कहाँ पे घूम रहा है पैसा, मार्केट में। तो इस तरह से गवर्नमेंट पैसा मनी सप्लाई करती है। हाँ, बोले, क्लियर रुद्र?
गवर्नमेंट अगर नए सेलिब्रेशन जैसे कि दिवाली सेलिब्रेशन करती है, काइट कार्निवल्स करती है, फेयर्स करती है, बुक फेयर्स करती है, एम्प्लॉयमेंट फेयर्स करती है, ये सब करती है, तो गवर्नमेंट का पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। फिर आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी बहुत सारे रैलीज करते हैं, स्पीचेस देते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स आते हैं आउट ऑफ इंडिया से, तो उनके लिए सेलिब्रेशन होते हैं, राइट? तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा जाता है, तो वो पैसा कहाँ पे जाता है? मार्केट में ही जाता है, तो मार्केट में ही पैसा घूमेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक शादी होती है, मैं एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, एक रिच पर्सन की शादी होती है, तो उसमें उसने 5-6 करोड़ इन्वेस्ट किए, तो 5-6 करोड़ अगर इन्वेस्ट यानी डालता, इन्वेस्ट नहीं कहते, कह सकते एक्सपेंड किए, राइट? तो उस एक्सपेंडिचर में सबको फायदा होता है। किसके पास पैसा नहीं जाता है? बैंड वाले के पास जाता है, कैटरर के पास जाता है, राइट? सबके पास पैसा जाता है, तो वो मार्केट में घुमा के नहीं घुमा पैसा, तो आप जो भी एक्सपेंड करते हो वो मार्केट में पैसा घूमता है, और जब मार्केट में पैसा आता है तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हर चीज की, और उसके हिसाब से सप्लाई क्या होती है? कम होती है, राइट? अगर हर कोने पे 5-star होटल्स बन जाए तो 5-star होटल्स की वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी, राइट? हर जगह पे सैलून्स बन जाए तो उसकी वैल्यू रहेगी? कम ही हो जाएगी मार्केट में उसकी वैल्यू, राइट? तो इस हिसाब से अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो डिमांड किसकी होती है? लग्जूरियस आइटम्स, राइट? तो उसकी प्राइस हमेशा बढ़ती ही रहती है। नाउ नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ये सब कुछ करती भी नहीं, लेकिन आपकी सैलरी तो बढ़ती है, आपके अलाउंसेस तो बढ़ते हैं। अगर इंसानों के सैलरी और अलाउंसेस भी बढ़ते हैं तो उनका परचेजिंग पावर बढ़ता है, और परचेजिंग पावर बढ़ता है तो क्या होता है? प्राइस राइज होता ही है, क्योंकि डिमांड में पैसा आता है ना कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो उस प्राइस राइज होता है। हाँ, डिमांड बहुत ज्यादा है हर चीज की, लेकिन भाई सप्लाई नहीं है तो क्या होगा? प्राइस राइज होगा। तो हर इंसान बोलेगा कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं तो खरीदूंगा, तो वो सामने वाला बोलेगा कि तुझे खरीदना है तो मैं इतने भाव में बेच रहा हूँ, तुझे खरीदना है तो खरीद, राइट? तो फिर डिमांड ज्यादा है तो जिसके पास परचेजिंग पावर है वो इंसान खरीदेगा ही खरीदे, राइट? क्लियर टिल हियर? हाँ बोल बोल। वो हाँ मनी ला सकती है, पर इनडायरेक्ट मनी ला सकती है, डायरेक्ट मनी नहीं ला सकती है। वो आरबीआई बैंक्स को देती है कि चलो अब लोन दो, अब तुम लोग इन्वेस्ट करो, तो फिर लोन बैंक क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, राइट? ये इंटरेस्ट बैंक चलते कैसे? मुफ्त में थोड़ी चलते, तुम्हारे पैसे ऐसे थोड़े रखते हैं। वो 5% इंटरेस्ट देते हैं आपके सेविंग अकाउंट पे, और 12% इंटरेस्ट लेते हैं आपके लोन अकाउंट पे या फिर व्हीकल लोन पे, तब जाके वो आपको पैसा देते हैं, तो फिर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो बैंक को पैसा देती है आगे, और फिर वो मार्केट में पैसा घूमता है। नहीं नहीं गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक्स को भी लोन देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आरबीआई डिसाइड करती है। Thank you.
हाँ वो टैक्स में से आता है, व्हाट टैक्स वी पे ना फ्रॉम दैट ऑल दिस थिंग्स आर। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, तो 30 रुपीज का पेट्रोल गवर्नमेंट को पड़ता है, लेकिन हम कितना दे रहे हैं 100 रुपीज, तो 70 रुपीज गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। तो ये जितने वैक्सीन है, ये है वो है, तो गवर्नमेंट कहाँ से ला रही है? उड़ के थोड़ी बन थोड़ी रहा है मशीन में पैसा। इस तरह से हमारे पास से पैसा लेके गवर्नमेंट हमको ही प्रोवाइड करती है। ये लास्ट पैराग्राफ इतना पढ़ लो, उसके बाद हम आगे causes price. समझ में आ गया supply of money बढ़ाने के लिए? ठीक है, बंद कर। अभी तू ले ही मुझे हटा देता। ठीक है, चलिए।